तो और मेरे भाइयों कैसे हो रहा सब। देखो भाई यहाँ पे गाइस जब मैं डुओ में #1 किया था ना इस सीजन, तो भाई देखो फिर उस टाइम पे बहुत सारे हैकरों की जल गए और उसने भाई मेरा आईडी पे दबा के रिपोर्ट किया। लेकिन गाइस मेरा आईडी अभी तक तो बैन नहीं हुआ है। और देखो भाई तुम लोग से गाइस मेरे को एक हेल्प चाहिए कि भाई तुम लोग एक बार डुओ का रैंकिंग खोल लेना और उसके बाद भाई लोग तुम लोग #1 से लेके #4 तक वाले बंदे को दबा के रिपोर्ट मारना। मतलब जितना ज़्यादा हो सके भाई उतना ज़्यादा रिपोर्ट मारना, क्योंकि भाई ये चारों बंदा मिलके ब्रूटल हैक यूज कर रहा है। और गाइस अगर ये चारों बंदा बैन नहीं होता है ना, तो भाई देखो फिर तो मेरा #1 पॉसिबल नहीं है। मतलब मैंने 2 दिन के लिए लगाया था #1 और उसके बाद ये चारों हैकर पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया एक एक दिन में। गाइस मतलब अगर मैं रैंक पुश करता हूँ ना, तो एक दिन में 100 पॉइंट का प्लस मैं निकाल सकता हूँ मैक्सिमम। लेकिन अगर हैकर रैंक पुश करता है भाई, एक एक दिन में 1000-1000 पॉइंट का प्लस वो लोग निकालता है। मतलब अभी तक गाइस मेरा 6600 नहीं हुआ है और वो लोग ने भाई 7200 तक रैंक लगा दिया। मतलब क्या ही बोलूं भाई, अगर हैकर नहीं होना भाई मैं पूरा सीजन #1 मेंटेन कर सकता हूँ। और गुस्सा तो तब आता है भाई लोग जब सामने वाला बंदा खुद ब्रूटल हैक यूज कर रहा है और जब वो हैकर मर जाता है ना, तो फिर वो हैकर मेरे को बोलता है कि भाई तू भी तो ESP यूज कर रहा है। मतलब इतना ज़्यादा दिमाग ये लोग कहाँ से आता है। एक तो भाई मैं जून के बाहर बैठ के बैंडेज मार रहा होता हूँ हैकर से बचने के लिए। मतलब क्या ही बोलूँगा ऐसे जैसे बंदों को। फिलहाल के लिए यहाँ पे भाई तुम लोग एक बार को जून देखो भाई, जून बना है हम लोगों से बहुत ज़्यादा दूर। और यहाँ से गाइस हम लोगों को फटाफट जून के अंदर निकलना होगा। लेकिन सीन कुछ ऐसा है ना कि जून के अंदर ज़्यादा कंपाउंड है नहीं और ऑलरेडी गाइस बहुत सारे बंदे जून के लिए निकल चुके हैं। और तुम लोग बस यहाँ पे सीन देखो, हम लोग गाइस जैसे जा रहे थे जून के लिए, हमारे सामने एक टीम है। बस यहाँ पे तुम लोग देखते जाओ कितनी सारी टीम हमारे आगे रहेगी। हमारे आगे एक और टीम आ चुकी है। मतलब यहाँ पे गाइस एक सेकंड का भी हम लोगों ने लेट किया ना, तो भाई जून के अंदर हमको कोई भी कंपाउंड खाली नहीं मिलेगा। और यहाँ देखो एक और टीम आ चुकी है यहाँ पे। और मैं गाइस यहाँ से हर टीम से बचते हुए निकल रहा हूँ, लेकिन मेरा टीममेट यहाँ पे नहीं बच पाता है। मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक हुआ, फिनिश भी होगा। मैं गाइस यहाँ पे इस वाली जगह पे पहुँचाऊँ और उसी टाइम पे यहाँ पे एक और बंदा आ चुका है। इसको मैं यहाँ पे फिनिश किया, लेकिन इसके बाद गाइस मैं इस बंदे का पेटी फिलहाल नहीं लूटता। मैं सबसे पहले गाइस खुद को हील करूँगा। और इस वाले मैच का भाई तुम लोग एंडिंग मिस मत करना। मतलब एंड में जाके ना एक बंदा मेरे को ऑल पे ESP हैकर बोल रहा होता है। मतलब मेरा टीममेट तो फिलहाल मर चुका है, तो गाइस देखो वो बंदा मेरे टीममेट से बात कर रहा होता है। तो यहाँ पे तुम लोग बस वो वाला सीन देखना। और फिलहाल के लिए यहाँ पे गाइस मैं बस हील करते हुए वेट कर रहा होता हूँ जोन बनने का, कि भाई नेक्स्ट जोन कहाँ पे बनता है। अगर नेक्स्ट जोन मेरे ऊपर नहीं बनाना, तो गाइस देखो फिर मेरे को वापस से जोन के अंदर निकलना होगा। और इस बार तो गाइस मेरे पास कोई भी टीममेट नहीं है, मतलब मेरे को अकेले खेलना है इस वाले मैच में। फिलहाल के लिए यहाँ पे गाइस मैं बंदे स्पॉट करने का ट्राई कर रहा होता हूँ। और तभी गाइस देखो जोन भी बनने वाला है। और यहाँ पे जो भाई देखो जोन मेरे साथ कर दिया है धोखा, जोन मेरे ऊपर नहीं बना है। और गाइस जो जोन बना है ना, जोन के अंदर एक भी कंपाउंड नहीं है, एक सिंगल सैक नहीं है। पूरा जोन गाइस हिल पे बना है। और यहाँ पे गाइस हम लोग को रिज के नीचे से हिल पे जाना है। मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है ये। और उसी टाइम पे मेरे को भाई सामने बंदा स्पॉट हुआ, मैंने गाइस हल्का सा डैमेज दिया इस वाले बंदे को। मेरे को भाई बंदा प्रॉपर स्पॉट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है गाइस मैं बस डैमेज देने का ट्राई कर रहा होता हूँ। मैं गाइस चारों बगल बंदे स्पॉट करने का ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को भी सामने एक और बंदा स्पॉट हुआ। अब बंदा कहाँ पे है मेरे को पता नहीं है। मैं स्मोक के अंदर फायर तो कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरा एक भी बुलेट का डैमेज बंदे को नहीं पड़ता है। और यहाँ पे गाइस मैं बस लगातार फायर कर रहा हूँ कि भाई क्या पता बंदा नॉक हो जाए। और अब जाके भाई देखो मेरे को सामने बंदा स्पॉट हुआ है। बंदा है पेड़ के पीछे। और यहाँ पे गाइस बंदा प्रॉपर कवर के अंदर है, तो मैं इस वाले बंदे को फिलहाल नॉक नहीं कर पाऊँगा। और अभी तो गाइस देखो मेरे को फटाफट जोन के अंदर भी निकलना है। और एक बंदा लगातार चारों बगल बंदे मार रहा होता है। और मेरे को लगा एक टाइम पे भाई क्या पता ये हैक कर रहा हो, लेकिन मेरे को कोई भी आइडिया नहीं भाई वो बंदा हैक कर रहा है नहीं कर रहा है। मेरे को बस मेरा पता है कि मैं बस हैकर से बच के #1 जाने का ट्राई कर रहा हूँ। पूरा ट्राई कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ। और यहाँ पर भाई तुम लोग देख ही रहे होगे, मैं अपना रेगुलर बात तुमको गेम प्ले में दिखाता आऊँगा कि मैं कैसे जून के बाहर बैठ कर सवाल करता हूँ। लेकिन यहाँ पे गाइस मैं इस वाले बंदे को .HP किया हूँ। मेरा 2 बुलेट लगा इस वाले बंदे का हेड पे, वापस से लगा, लेकिन भाई यहाँ पे कोई भी बंदा नॉक नहीं होता। और गाइस अभी मेरे को फटाफट जून के अंदर निकलना है। अगर मैं जून के अंदर टाइम पे नहीं पहुँचा, मैं भाई जून के बाहर इसमें से जाऊँगा। और फिलहाल के लिए यहाँ पे गाइस मैं किसी तरह जून के अंदर तो पहुँच जाता हूँ, बस देखते जाओ। मैं गाइस जून के अंदर पहुँच चुका हूँ, वेट करूँगा। मैं यहाँ पे आराम से लेट जाता हूँ और स्मोक करके मैं बस यहाँ पे वेट कर रहा होता हूँ सही टाइम का। जब तक सही टाइम नहीं आएगा, देख रहे हो
भाई मेरे ऊपर जो नीड आ रहा होता है ना, लिटरली मैं यहाँ पे मरते मरते बचाऊँ। और यहाँ पे गाइस देखो, अभी तो मैं बिल्कुल भी फाइट लेने वाला पोजीशन में है नहीं, मैं गाइस यहाँ पे ओपन में हूँ। कौन सा बंदा यहाँ पे कहाँ पे कैम्प कर रहा है कोई भी आइडिया नहीं है मेरे को। तो यहाँ पे गाइस मैं बस स्मोक करके वेट कर रहा होता हूँ सही टाइम का, कि भाई बंदा आपस में फाइट करके मर जाए, जो बंदा आखिरी में बचेगा मैं इस वाले बंदे को मार के चिकन ले जाऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, बस देखते जाओ। यहाँ पे मैं बस यहाँ पे फाइट होने का वेट कर रहा होता हूँ कि कोई टीम का फाइट हो जाए। फिलहाल के लिए गाइस यहाँ पे 2v1v1v1 का फाइट है, सामने दो बंदा है और 3 solo बंदा है, और मैं यहाँ पे स्मोक के बीच में बस किसी तरह सर्वाइव करने का ट्राई कर रहा होता हूँ कि कोई बंदा बस यहाँ पे मेरे को स्पॉट करके फिनिश ना कर दे। क्योंकि भाई देखो ऑलरेडी मेरा बहुत माइनस जा चुका है, और चिकन तो गाइस आजकल बहुत मुश्किल से मिलता है। मतलब हैकर जब मर जाता है ना, तब जाके ही चिकन मिलता है, क्योंकि आजकल हर मैच में हैकर आता है, हर मैच में। ऐसा कोई भी मैच नहीं जाता जिसमें हैकर ना आया। और फिलहाल के एक बंदा नॉक हुआ, वो बंदा यहाँ पे फिनिश भी होगा, फिनिश हो गया। और मेरे सामने दो बंदा है और एक बंदा मेरे ऊपर है, तो यहाँ पे मैं एक नेड करता हूँ। और गाइस मेरे को आइडिया नहीं था कि बंदा कहाँ पे है, लेकिन मैंने बस नेड किया, बंदा नॉक हुआ। यहाँ पे एक और नेड करूँगा मैं, और यहाँ पे गाइस मेरा इस वाले नेड से ना ये पूरा टीम फिनिश होगा, फिनिश हो गया। और अभी गाइस 1v1 का फाइट है, लेकिन भाई जो बंदे से मेरा 1v1 का फाइट है ना भाई, वो बंदा खतरनाक लेवल का बंदा था। मतलब अपना फुटस्टेप देता नहीं है एंड तक, बंदा मेरे ऊपर है, उसके पास ज़्यादा एडवांटेज है, हाइट का एडवांटेज है उस वाले बंदे के पास, लेकिन बंदा भाई हिलने का नाम नहीं लेता है। बंदा मस्त कवर के अंदर कैम कर रहा होता है, मैं पूरा ट्राई करता हूँ अभी बंदा को स्पॉट करने का, लेकिन मैं बिल्कुल भी स्पॉट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन देखते जाओ कितना ही कैम कर लेगा वो। मैं यहाँ पे गाइस अपना नेड मॉली हर कुछ कर देता हूँ, लेकिन बंदा यहाँ पे फिनिश नहीं होता है। मतलब कैंपिंग का लेवल तो था भाई बंदे का, मैं तो ये बात मान गया। और यहाँ पे गाइस देखते जाओ तुम लोग, मैं ऊपर जा रहा होता हूँ लेकिन बंदा हिल नहीं रहा है, बंदा अभी भी एक ही जगह पे कैंप कर रहा है। और यहाँ पे गाइस मैं कम से कम 4 से 5 मिनट का गेम प्ले कट कर दिया हूँ, क्योंकि 5-4 मिनट तक भाई वो बंदा हिला ही नहीं, एक ही जगह पे बैठा रह गया। यहाँ पे मैं हाइट के नीचे हूँ, मैं डिसएडवांटेज हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना फुटस्टेप दे रहा होता हूँ, लेकिन वो बंदा हिलने का नाम नहीं ले रहा है। कहाँ पे बैठ रखा भाई नहीं पता मेरे को, लेकिन एंड में जाके तुम्हारा भाई चिकन निकालेगा, देखते जाओ। और फिलहाल गाइस देखो यही था आज का गेम प्ले, मिलते हैं गाइस अपने अगले कॉन्कर ऑफ लोबी गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट, बाय गाइस। और अगर कोई नल्ला हैकर मेरे आईडी को रिपोर्ट कर रहा है ना, तो भाई देखो मैं हैकर से बच के सर्वाइव कर रहा हूँ, मैं हैक नहीं करता हूँ, तो भाई तुम चाहे जितना रिपोर्ट कर लो, मेरा आईडी घंटा बैन नहीं होगा। बाय बाय। तो माइनस नहीं हुआ, पता है कितना प्लस मिला, चिकन कर दिया भाई इसने तो, अब तो शायद ये पक्का डाले। मेरी आवाज जानी पहचानी सी लग रही है, आप सुन लिया भाई।